हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र मज़े में। तो आज ही मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो चिकन कटलेट, यमी यमी से। तो जी, मैंने यहाँ लिया है आधा पाव कीमा और एक गिलास पानी। एक गिलास पानी मैं पतीली में डाल रही हूँ। इसे यहाँ बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है, जब तक पानी में गुब्बारे जैसे नहीं बन कर आ जाते। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो अब जी मैं इसके अंदर कीमा डाल रही हूँ जो कि धुला हुआ है पानी से। मैंने इसमें कीमा डाल दिया। अब मैं इसे मिक्सअप कर दूँगी पानी में। मैं इसे छोड़ दूँगी पानी में थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे। यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डाल दिया इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसे मिक्सअप कर दूँगी। और इसे यहाँ छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो जी, यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, बॉईल करूँगी इन्हें। और यहाँ मेरा कीमा पक रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इस पर ढक्कन ढक दूँगी, हाई फ्लेम पे कर दिया मैंने इसे। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 1/2 गड्डी हरा धनिया, 1 एग, अंडा, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक, जायके के लिहाज से मतलब, और 1 टीस्पून कुटी मिर्च। तो जी, यहाँ मेरा कीमे का पानी सूख चुका है बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। यहाँ डिश आउट कर दिया मैंने इसे। और यहाँ मैंने आलू मैश कर दिए जो कि बॉईल हो चुके थे। तो जी, मैं यहाँ इसमें कीमा ऐड करने लगी हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें डालने लगी हूँ हरा धनिया, सॉरी प्याज। प्याज डाल दी मैंने। इसके बाद हरा धनिया, कुटी मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और नमक हसबे ज़रूरत। इसमें हाँ, मैंने जो 1 एग लिया था उसमें 1/2 एग मैंने शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसे मिक्सअप कर रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स को। अच्छी तरह इसे मिक्सअप करना है। इसके बाद छोटी छोटी ऐसी टिक्कियाँ बना लेनी है कबाब की, जो कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, यम्मी से। इसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर अंडे को कबाब के साथ डिप करने लगी हूँ और ये मैंने तवे पे रख दिया। अब सेकंड प्रोसीजर ऐसे ही होगा। कितने मज़े के लग रहे हैं ना, यमी। फाइनल कलर आ चुका है इसका। जी, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।